तो हेलो, स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में कैसे हमने देखा था, जो जीशु और दाजी होते हैं वो अलग ही जगह पे होते हैं, जहाँ पे दाजी काफ़ी सारे पेड़ या पौधों का मॉइस्चर से सामना कर रही होती है, और वो जो है काफ़ी सारे मॉइस्चर को डॉच कर रही होती है। जीशु भी डॉच कर रहा होता है। एक बंदा दाजी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक इसको होल्ड कर पाओगे, हम दोनों मिलकर तुम दोनों को हरा देंगे। तभी वो बुढ़े वाला कहता है, रुको, मैं अपने स्पेशल मूव को यूज़ करने वाला हूँ। वो कहता है, डेडली रेन ऑफ रेड वाइन, रेड वाइन की बारिश होने लगती है। दाजी स्माइल करती है और कहती है, हनी प्लीज़ आप मेरे पीछे रहिएगा, मैं सब कुछ देख लूँगी। इसी के साथ वो अपनी काफ़ी ज़्यादा फायर को रिलीज करती है और वहाँ पे पूरी तरफ फायर फायर हो जाता है। दोनों अपनी शील्ड को आई करते हुए कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें जल जाती है। वो कहते हैं, अगर हमने टाइम पे शील्ड नहीं बनाई होती तब तक इससे हम बच नहीं पाते। दाजी कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। पर वो दोनों कहते हैं, बिल्कुल वैसे की तरह। अब यहाँ पे वो दोनों कह रहे होते हैं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो पर हम दोनों का सामना नहीं कर पाओगे। बुड्ढा वाला कहता है, अब लगता है हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हमें साथ में मिलके इसके ऊपर अपने स्पेशल मूव को करना होगा। दूसरे वाला कहता है, अच्छा ठीक है। और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं उसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए। और यहाँ पे वो बुड्ढा वाला एक चाल को चलता है और अपने दोस्त को फंसा देता है, जहाँ पे वो अपने दोस्त को आगे भेजता है हमला करने के लिए। अब यहाँ पे दोस्त हमला कर रहा होता है पर वो देखता है कि उसका दोस्त तो वहाँ पे है ही नहीं, तो उसे समझ में आ जाता है कि उसको तो धोखा मिल गया अपने दोस्त से। अब यहाँ पे वो दाजी उसको मार देती है। दूसरा वाला जीशो की तरफ भागने लगता है और कहता है, मैं जीशो को हॉस्टेज बना लूँगा जिसकी वजह से दाजी मेरे को कभी नहीं पकड़ पाएगी। पर दाजी कहती है, मेरे होते हुए तो मेरे हनी को छू नहीं पाओगे। पर यहाँ पे वो काफ़ी पास आ जाता है जीशो के, और जैसे वो पास आता है तभी जीशो अपनी जाओमी की पावर को यूज़ करता है, जहाँ पे वो काफ़ी तेज़ी से पंच बनाता है और कहता है, एडेड थंडर एट्रीब्यूट, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसके पेट में एक पंच लगाता है। पीछे से दाजी पंच लगाती है पर दाजी का पहले पड़ता है, इस वजह से वो दाजी की साइड से आगे की तरफ गिरने लगता है। अब यहाँ वो कहती है, जाओमी ये क्या, तुमने मेरा खेल चुराया। दाजी कहती है, ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे उस बुढ़े का तो काम तमाम हो जाता है। जीशो कहता है, लगता है मैं थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा हूँ। दाजी कहती है, हनी आपको बुरा नहीं लगे तो सबसे पहले मैंने उसको मारा है, आपकी ज़्यादा पावर तो नहीं है पर आपने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है अपने आप को। अब जाओमी उस बुढ़े के पास जाने लगती है और कहती है, ये क्या चीज़ है, ये इसकी कान में से निकला है। जाओमी कहती है, हनी आप तो बहुत इंक्रीज़ हो गए हो और आपकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जीशो कहता है, नहीं ऐसा ज़्यादा भी नहीं है। अब यहाँ जो दाजी होती है वो कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। जाओमी जाओमी कहती है, वाह ये क्या है। अब इसी के साथ जीशो कहता है, क्या ये सब ख़त्म हुआ। दाजी कहती है, अभी नहीं। अब जीशो कहता है, तो अब इनको कैसे हराना होगा। दाजी कहती है, हमें अपने दोस्तों को ढूंढना होगा, सबको मिलके, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी के पास जाना होगा। दाजी कहती है, हमने इन दोनों को तो हरा दिया, अब जल्दी से जल्दी देखना होगा कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं और उनके साथ मिलके हमें हराना होगा। और यहाँ पे जो है वो होती है जाओमी, जाओमी कुछ बताती है पनिशमेंट के बारे में, जैसे कि जितने भी नॉर्मल ह्यूमन होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट लॉज होते हैं, और जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लिए अलग से हेवनली लॉज होते हैं। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से बताती है, जो कि अभी के लिए कोई काम का तो है नहीं, पर यहाँ पे मैं सीधी सीधी बोलूँ तो यहाँ पे इनका जो है ब्रेसलेट चमकता है, और तभी उन्हें मैसेज आता है लिंगशाओ की तरफ से कि कोई ख़तरा है। तभी दाजी और जीशो हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो चलते हैं। इसी के साथ वो दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं एक रेगिस्तान में, क्योंकि वही रेगिस्तान होता है जहाँ पे लिंगशा और बाकी सारे लोग होते हैं। जीशो कहता है, आखिर हमें ये इस जगह पे क्यों टेलीपोर्ट कर दिया, क्या ये सारे लोग यहाँ पे हैं। अब वो ढूंढने लगता है, लिंगशाओ तुम कहाँ हो। और यहाँ पे वो कहता है, मतलब दाजी उससे कहती है, ये क्या, ये तो कोई बहुत बड़ा वाला डायमेंशन लग रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई स्टैंड लॉन्ग स्पेस है, मतलब कोई ऐसी जगह है जिसको क्रिएट करा गया है, और जिसने भी इसको क्रिएट करा है तो इसका मतलब उसके पास 500 वर्थ ऑफ ट्रेनिंग की पावर है, यानी कि 5,000 साल पुरानी ताकत है या ऐसी कुछ पावर्स है। जीशो कहता है, क्या इसका मतलब है कि वो जो है वही उन सभी मतलब क्रेजी वेस्टर्न क्रेजी सैंड की बॉस है, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर दाजी कहती है, चिंता मत करो, जब तक मैं साथ हूँ हनी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे जाओमी आती है और कहती है, कुछ नहीं कर सकता पर तुम्हें थोड़ा डर नहीं लग रहा कि वो 5 साल पुरानी है, 5,000 साल पुरानी है।
और वो सारे लोग कहाँ हैं जिनको हमें बचाना है? तभी दाजी कहती है, तुम जाओमी, तुम पीछे रह के चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। अब जाओमी जाओ जीशो के पीछे दुपक जाती है। दाजी अपनी पावर्स को रिलीज़ करते हुए कहती है, चलो उन सभी को बचाते हैं। फर्स्ट फायर फॉर्म, और उसकी काफ़ी ज़्यादा फायर की रस्सी बनती है, और जैसे वो रस्सी बनती है वो ज़मीन के अंदर जाके लीसा को पहले बाहर निकालती है। लीसा बाहर आने के बाद कहती है, ये क्या क्या उसका ये नया मूव है? उसको लग रहा है कि ये विलन है, मतलब उन्हीं की बॉस जिसका न्यू अटैक है। तभी सिस्टर को बाहर निकालती है जीशो की। लीसा कहती है, सिस्टर मेरे को सेव करो। पर सिस्टर कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या, तुम अंधी हो गई हो? और ये चिल्लाना बंद करो, ये पक्का दाजी है, दाजी की फायर है। तभी लिंगशव को बाहर निकालती है। लिंगशव कहता है, ये फायर जो कि फायर रोप है, इसका मतलब ये सेनपाई है। तभी वो कहता है, ये आजिंग को पकड़ लो। और इसी के साथ जो है वो ऐसे करके जो है दोनों को बाहर ले आती है। तभी जीशो कहता है, सिस्टर क्या तुमने इन सभी को बचाया नहीं, क्या तुमने इनकी मदद नहीं की? सिस्टर कहती है, तुम देख नहीं सकते मैं कितनी ज़ख्मी हूँ, क्योंकि अच्छा है कि जो लिंगशाव है उसने जल्दी से जल्दी टाइम पर जो है हमारी जान बचा ली उस एमरजेंसी सिग्नल को भेज के। यहीं पे हमें दिखाया जाता है जैसे ही ये लिंगशा बताता है, तभी वो कहता है कि अच्छी बात है कि तुम सब ये लोग यहाँ पे आ गए, वरना हम उससे बच नहीं पाते क्योंकि वो काफ़ी ख़तरनाक है। और मैं तो काफ़ी मुश्किल से बच पाया हूँ क्योंकि उसके पास कुछ ज़्यादा पावर है और हम सब उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस दाजी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जिशो कहता है, क्या वाकई वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है? लिंगशाओ कहता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास 5,000 वर्थ ऑफ ट्रेनिंग की पावर है, जबकि हमारे पास कुछ कुछ पावर्स है, बट हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम उसको थोड़ी देर के लिए रोक के तो रख सकते हैं और प्लान बनाने का मौका भी मिल सकता है। और यहाँ पे जीशो कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि हम उसको हरा सकते हैं? और हमारे पास अभी दो चीज़ें बाकी है। लिंगशाओ कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी जो जीशाओ है वो कहता है, ये क्या, ये सैंडस्टॉर्म रुक कैसे गया? तभी जो लिंगशाओ होता है वो कहता है, क्या वाकई में? अच्छा, तो उसका मतलब वो आने वाली है दोबारा से। तभी वहीं पे वो आती है चौके पहने वाली लड़की और कहती है, रुको मैं तुम सबको यहीं पे मारने वाली हूँ। तभी दाजी कहती है, एक मिनट रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जाओमी कहती है, जाओ भी, जाओ भाई कहती है कि देखो दाजी, ये कितनी पावरफुल है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? दाजी उसकी तरफ देखती है। तभी वो कहती है, चौके पहने वाली लड़की, तो मैं इसको अभी बॉस बोलूँगा। बॉस कहती है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तभी दाजी कहती है, क्या तुम्हें कोई मतलब नहीं? इसी के साथ वो कहती है बॉस कि देखो, मैं यहाँ पे तुमसे बस वो चीज़ें लेने आई हूँ, जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हैं वो सारी मेरे हाथ में थमा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगी, और अगर तुम्हें लगता है फॉक्स कि तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो तो भूल जाओ, तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगी। ये लड़की ही है, मेरे को तो लड़की लग रही है। हाँ, तभी दाजी कहती है, एक मिनट रुको। तभी वो जाओमी को आगे भेजती है और कहती है, भाई तू इसका सामना कर, जैसा इसका दिमाग ख़राब है, दिमाग का स्क्रू ढीला है, मुझे लग रहा है तू इसको संभाल सकती है। जाओमी आती है और कहती है, एक बात बताओ कि तुम जो है बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही हो, और चलो अपनी बात को कंटिन्यू करो। वो कहती है, हाँ रुको मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ, तुम मेरे को चुपचाप से वो सारी चीज़ें दे दो जितनी भी तुम्हारे पास है और जितनी भी सारी ट्रेजर्स हैं, वरना मैं तुम सभी को क्रश कर दूँगी और तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दूँगी। वो कहती है, क्या वाकई में, क्या तुम्हारे पास ब्रेन भी है? छोटी बच्ची है क्या? और इसी के साथ वो कहती है, देखो हम तो बहुत गरीब हैं, अगर तुम चाहो तो हम बहुत सारी चीज़ें तुम्हें दे सकते हैं। वो कहती है, हाँ तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की है, चल चुपचाप से मेरे हाथ में दे दे वो सारी चीज़ें। जाओ भी कहती है, मैंने तो बस तुम्हारी टांग खींची, तुम तो सीरियस ले गई यार, और मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ना मैं तुम्हें ये सब देने वाली, मैंने तो मजाक किया। और इसी के साथ जो है वो उसकी टांग खींच रही होती है, वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है मन में। तभी वो कहती है, ये क्या, ये तो पावर्स को यूज़ करी है। अब यहाँ पे जाओ भाई काफ़ी डरने लगती है, और तभी दाजी मतलब वो जो मतलब बॉस होती है वो काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पा रही होती। वो कहती है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? दाजी कहती है, सॉरी अबाउट दैट, मतलब मुझे माफ़ कर देना इसके लिए, क्योंकि जो है उसकी पावर्स को और उसके डायमेंशन को हटा दिया गया है और उसकी एबिलिटी को भी हटा दिया गया है। और यहाँ पे वो कहती है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा जो है जीनियस हो, तुम मेरे को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। लिंगशाओ कहते हैं, बहुत बढ़िया सेनपाई, जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता था ये सब वर्क करेगा, बहुत बढ़िया। तो तभी दाजी कहती है, क्या अब यहाँ से जो है तुम सब लीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ
मैं और इसी की फाइट होगी। जीशो कहता है, प्लीज़ दाजी अपने लिमिट को क्रॉस मत करना। जाओमी जाओमी आ जाओमी जाओमी प्लीज़ अपने लिमिट को क्रॉस मत करना, वो कहती है। अच्छा ठीक है। और तभी वो कहती है, हनी क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? जीशो कहता है, क्या? अब तभी जाओमी कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, वरना आप मेरे लिए बर्डन बन जाओगे। बर्डन आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो बस एक बोझ। तभी वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, जाओमी अपना ख्याल रखना, चलो भाइयों चलते हैं यहाँ से। और इसी के साथ जो है उन दोनों की फाइट चालू जाती है, और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। दाजी कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, अब से तुम मेरी अपोनेंट हो। जो कि अपने वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाली, और वो अपने एक स्पेशल मूव का यूज़ कर रही होती है। इसी के साथ अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इनकी फाइट को। तभी के लिए एपिसोड को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो। बाय, सायनारा, पीस।